चलो अब आ रही है आवाज समझ में आपको? जी मुझे तो आ रही है, तब भी आ रही थी, आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब आई है, मैं ऊपर आया हूँ ना नमाज पढ़ने। क्या जी आपकी जिंदगी भी तकलीफ में अच्छी गुजरती है। करें और भाई। बस क्या करें। और सर पर हाँ ठीक है, ऊपर ही रहता हूँ मैं भाई, कहीं जाता हूँ सिर्फ ये जी पहुंचते हैं तो जुमा पढ़ा देता हूँ अच्छा बस। हाँ, वो मुनीर से बात हुई थी, वो जो फतेह जंग वाला है, वो मुझे तो बोलता अच्छा रहा कि आरजी जन्नत वन्नत कुछ नहीं होती, मगर अच्छा उसने खुद जो अभी किताब लिखी तबलीगी निसाब का जायजा, उसमें लिखा हुआ आ गया, लेकिन आरजी जन्नत का वर्ड नहीं है। अच्छा हनीफ अच्छा साहब, ये जो अभी रमजान के दर्द दे रहे हैं, इनमें हनीफ साहब रफायाम में ये बात बोलते रहे कि कुरान की मुतअद्दिद आयात इस बात पर गवाह है कि जैसे कोई मरता है वो जन्नत जहन्नम में चला जाता है। अच्छा, और इधर भी वो डंडी ये मार रहे हैं कि वो जो हदीस है सवाल जवाब वाली, वही करा नाल हाँ वाली, हाँ हनीफ साहब अब इस तरह से पैटर्न दे रहे हैं कि देखें रूह अल्लाह के पास गई, अल्लाह ने इसको भेज दिया कहां तक आपकी हाँ मकसद के लिए, अब इससे सवाल जवाब होंगे, सवाल जवाब के बाद अगर ये सही सवाल देता है इसे जन्नत दिखाएंगे, फिर इसे दोजख में दाखिल कर देंगे, और अगर ये ना, गलत फिर जवाब पहला कहाँ देता होता है ये, कहाँ है होता है ये मुझे ये कहाँ होता है, पूछो ना ये बस। ये यहाँ तक बोलते हैं, यहाँ तक ये आलम बरजख में होता है, अब इसके बाद ये जन्नत जन्नत में चला गया है, कल जब कयामत होगी तो ये नहीं वहां नहीं से नहीं निकाल देखो दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना, ये जो सूरह नाल की हदीस का जो कुरान की आयत को जो हवाला दे रहे हैं ना, जी इसका आगे पीछे आप पढ़े तो सही, ये तो कुरून उला के लोगों की बात है, जो सुनते थे क्या क्या नाजिल हुआ, और यही लोग पाकीजा लोग जब मरेंगे तो जी इनको कहा जाएगा जन्नतों में दाखिल हो जाओ, तो इनकी अक्सरियत तो शहीद हुई है जंग शहीदों बदर में, की है जंग जंग में, तो योद में ये तो उन लोगों के लिए आया था ये सूरह नाल नहीं, की आगे का बिल्कुल देखो तो बिल्कुल सही। बिल्कुल नहीं, फिर कैप्टन मसूदीन उस्मानी रहमतुल्लाह ने भी भूला सबक में ये बात लिखी है ना कि फिर भाई देखो ना, मैं आपको बताऊं ना, मैंने अलीफ साहब को खुल के बात की, मैंने बोला जो ख्वाब के अंदर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया है जी वो यही मोमिनीन को दिखलाया गया है कि एक तनूर में अजाब हो रहा है, जो शराब नहीं पड़ता था उसको अजाब हो रहा है, ये तू थोड़ आलम में बरजख में दिखलाया गया, जन्नत जहन्नम नहीं है। जन्नत जन्नम नहीं है, उसके आरजी बाद जन्नत हाँ और आरजी फिर जन्नम नहीं है, नहीं वो बरजख ही मामला दिखाया, उसके बाद बरजख फिर अल्लाह ताला ये पूरी रात मौजदे की है, जी फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखलाई गई, असली जहन्नम अल्लाह जन्नम ताला की, असली जहन्नम नहीं दिखला सकता, मुस्तकबिल नहीं दिखला दिखला सकता, माजी जब दिखलाया अल्लाह के रसूल को, मूसा अलैहिस्सलाम को दिखलाया दुनिया के अंदर, और यूनुस अलैहिस्सलाम को दिखलाया उनकी नकेल पकड़े चले आ रहे हैं वादी में, जी तो अल्लाह बिल्कुल ताला क्या इस बात पर काजर नहीं है उनको असली जहन्नम दिखला है, मुस्तकबिल दिखला है, पूरा का पूरा दिखला सकता है मालिक, बिल्कुल है कोई हाँ लगा नहीं कि वो मुस्तकबिल नहीं है, बहना बड़ा चलो मुस्तकबिल असली जहन्नम दिख रही है, जन्नम तो दिख रहा बर्दाश्त है, नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, डायरेक्ट जहन्नम में जाते हैं अमर बिन लही ना। हो गए हाँ जी। हाँ अच्छा तो सर, वो तीसरी तो बात ये है कि अब हनीफ जो ये बोले बच्चे को दूध साहब पिला रहे, बच्चे को बोलते दूध पिलाने वाली मौजूद है नबी सलाते थे, मैंने बोला तो इसमें तो कितने सवाल उठते हैं, ये हैं मौजदाती मामला, क्या बच्चा इतना ही है जब से हजारों साल से, या कुछ बड़ा भी हुआ है, हाँ या बिल्कुल कभी जवान भी हुआ नहीं हुआ, मौजे को अपनी क्यों दलील बना बना के लेकर आ रहे हो अपने मफाद को समझने समझाने के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा दूसरी बात एक ये है कि सर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये, जिसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं हनीफ साहब के पीछे नमाज पढ़ूं, वो ये कि हनीफ साहब ये जो बोलते हैं वो इस सूरह वो जो यानी कि फिरौन वाली आयत है कि उन्हें सुबह शाम पेश किया जा रहा है आपसे, और कल जब तक आते तो मान गया ना, होगी मैं मनवा दिया उनको, इसको मैंने बोला नहीं है, कयामत के दिन होगा, लेकिन हनीफ साहब ये बोलते हैं कि नहीं अभी इनके साथ हो रहा है, इनके साथ नॉर्मल हो रहा है, ये सुबह शाम जो अरबी अल्फाज हैं, अगर ये सुबह शाम अरबी अल्फाज बोलते हैं तो फिर कुरान आगे जो है बहुत नहीं नहीं मैं आपको समझाऊं, देखो जी ये सुबह शाम से मुराद है हल्का अजाब हो रहा है उनको सुबह शाम जी वक्फे वक्फे, लेकिन अशद अल अजाब कयामत के दिन होगा, फिर मैं उनको मिसाल दी जी अबू तालिब की, जी पहला देखो ये मुस्लिम रिवाज लेकर आए कि अबू तालिब को अभी हल्का अजाब हो रहा है जी, उनको सबसे ऊंचे वाले तबके में रखा गया है जहन्नम के, सबसे कम अजाब वाले, जब कयामत आएगी तो उनको आग के जूते पहनाए जाएंगे, हनीफ साहब वगैरह नहीं उनको तो आग के जूते पहना दिए, मेरा अशद अल अजाब नहीं है, मेरा जाके आप दोबारा चेक करें हदीस को, फिर बाद में मैंने उनसे पूछा देखा बोले हाँ हाँ कयामत के दिन जूते पहनाए जाएंगे, मेरे फिर अगर अभी तो अशद अल अजाब नहीं हो जाएगा। अच्छा सर एक चीज और है, इस वक्त अभी मसला ये कि हनीफ साहब जो है जब हम लोगों से मिलता है या दूसरों से मिलते हैं तो वो कैप्टन साहब वाली बात करते हो, जब उनसे मिलते हैं तो उनकी बात करते हो, जहाँ पे दर्श दे रहे हैं तो वो वही आरजी जन्नत आरजी जन्नम वाली बात नहीं, 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 अभी पिछले दिनों असली जन्नत है असली, अभी पिछले दिनों ये शमीम ने इधर दर्श दिया है, इधर यानी कि जुम्मा पढ़ाया है, उसने जुम्मे में ये बात कर दी है कि भाई आलम बरजख सब कुछ है, ये बातें हमारी नहीं है, अब बंदा क्या करे, अब बंदा क्या करे भाई, देखो ना उनके पीछे नमाज ही नहीं होती सर, सीधी सीधी बात है, अपने घर में रहो अपनी नमाजें अलग पढ़ो,
भाई देखो, मैं तो जितने भी जुम्मे पर आया ना जी, इन्होंने मुझे चेक किया, लेकिन मैं इस मसले को क्यों छेड़ू, मैं तो अपने असली मसले को छेड़ा हुआ है, ईमान को, बस अपने ईमान खालिस करो, शिर्क से बचो, इस मसले को छोड़ो ही क्यों, क्या ख्याल है? कुरान की तहरीफ हो रही है बाकायदा, एक चीज को किया जा रहा है, फिर सबसे बड़ी बात की कैप्टन उस्मानी की जो बात है वो बात फिर फिक्री आवारगी की कंडीशन में आ जाती है अगर इनकी बात मान ले तो। भाई आप देख के जाओ एक्सप्रेशन तो खुलने तो दो जरा, खुलेंगे यार खुलेंगे। ये हक होता है बातिल बातिल होता है, मैं आपको बताऊं, जी जी हम अकबर हैं, हम अकबर हैं, आपको बताऊं, इसलिए तुम्हें मेरा दिल गवाही देता है, अकबर है हम जी, कोई आपकी जन्नत नहीं है, कोई आपकी जन्नत नहीं है, असली जन्नत है, असली जन्नत में, समझ में आ गया, आपने हमें आजमाया है, कुछ मामला मुबम रखे हैं जी, बिल्कुल मैंने बोला। अच्छा अनीस साहब ये बतलाओ, वो जो बेचारे असाबुल आराफ हैं उसकी तो बात भी सुनो तो सही, उनके तो आमाल भी तोले जाने के बाद जन्नत जहन्नम में नहीं जा सक रहे, आमाल तोले जाने के बाद भी जी, इस वक्त वो कहाँ है, इस वक्त वो खामोश, उनका एक तोला बोलता है तो मुझे शाबियात आया था, बताओ ये सूरत आराफ कोई मुझे शाबियात सूरत बना दिया इन जालिमों ने, देखो यार जी जी है ना। और एक ने तो बरेली वाला जवाब दिया कि अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा सूरत आराफ में जो असाबुल आराफ है, जाहिल हो, ये तो बरेली जवाब देते हैं, ये तो बरेली जवाब देते हैं, तुम ये बताओ ना इस वक्त असाबुल आराफ कहाँ है, आरदी जन्नत में, आरदी जन्नत में बताओ, मैंने बोला कहाँ है, जबकि आमाल तोले जाने के बाद भी वो नहीं जा सकते जन्नत में, मुनव्वर से हुई थी या मुनव्वर से हुई थी या अनीस साहब से सारी बात से जी, हाँ अनिल साहब आज अपनी मछली यहाँ खामोश हो गया, अनिल साहब के पास कोई जवाब नहीं है इसका, अरे जवाब दे, अब मुझसे चुप हो गया था वो क्या जवाब दे गए, जवाब है नहीं, चलो सही है, बहरहाल देखो मैं आपको आवाज देता हूँ बेटा जी, किस्म की आप बहस बाजी न करो, अपना चुपचाप तमाशा देख करो, खुल के सामने आने वाले हैं ये अंग्रेजों के साथ, इनका इलाज होने वाला है, कोई सऊदी अरब से कोई आदमी आया है जी जी सुना, इनकी हाँ इनकी लेंस सेट हो गई है, आहिस्ता 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 इसी तरफ आ रहे हैं, समझा सर, मैं देख रहा हूँ दूर दूर से नाराला ले रहा हूँ जी जी बिल्कुल, हाँ नहीं मुझसे बहस नहीं कर सकते, मैं बोलता हूँ दलील पेश करो, दलील है बोले तुम्हारे पास कौन सुना सही कौन से दलील है, वो सूरज सज्जा की आयत है की हम तुम्हारे साथ दुनिया में भी थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ होंगे जी, वो खुशखबरी दे रहे हैं जन्नत की, कुरान में इतराफ हो गया, उबशिरू और यहाँ पर है कि आ जाओ कुरान में, देखो मैंने बोला अनिल साहब कुरान में तजाद नहीं है, नहीं क्या आप बोल रहे हो कि फरिश्ते बोले जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहाँ फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, तजाद आ गया नहीं आ गया, इससे जाहिर हुआ कि दो अलग अलग बातें हैं ये जी जी, ये दो अलग अलग आयतें हैं, तजाद हो जाता है यहाँ पर वहाँ खुशखबरी दे रहे हैं, मेरे मैंने दुनिया भी मिसाल दी कि मियाँ बीवी की शादी होती है जी जी, ठीक है ना जी जी, अब चार महीने बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर खुशखबरी देता है कि मुबारक हो तुम्हारी गोद हरी होगी, एक खुशखबरी ये है जी, और एक खुशखबरी ये है कि बेगम डिलीवरी करने गई है वार्ड के अंदर, आप बाहर इंतजार कर रहे हैं, नर्स मुंह निकाल के बोलती है मुबारक हो, खुशखबरी देती है कि बेटा हो गया, ये दोनों खुशखबरियों में फर्क है नहीं है, फर्क है, एक ने तो अभी सिर्फ गोधरी की मुबारकबादी दी है और एक ने बेटे की दे दी, तो इन दोनों में फर्क है, इन दोनों मुबारकबादियों के अंदर, सही, वहाँ फरिश्ते जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं और यहाँ फरिश्ते बोलते हैं जन्नत में दाखिल हो जाओ, सही बिल्कुल यही बात मैंने भी की थी, इसके बाद तो अनिल साहब का कोई जवाब ही नहीं था, नहीं बातें नहीं करो, ये बात क्यों नहीं करो भाई, क्यों नहीं करे भाई, बहरहाल मैंने अच्छी अनिल साहब की बोले आपके तकरीर कर रहे हो, मैंने बोला अनिल साहब मैं तो चाहता ये था कि आप मुझे डेढ़ घंटा देते और भरे मजमे में मुझसे तकरीर कराते, दूध का दूध पानी का पानी, लोग खड़े हो जाते, आपको नजर आ जाता था वो आप क्या बातिल किया है, बातिल किया है, लेकिन अनिल साहब ने बोला नहीं 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 आप अकेले मुझसे बात करो, अकेले में भी बात की, अनिल साहब बोले आप तो तकरीर कर रहे हो, मैंने पहले कहा था अनिल साहब से, देखो अनिल साहब जब मैं बात करूँ तो आप बीच में नहीं बोलना, नहीं बोलना, जब आप करोगे तो मैं नहीं बोलूंगा जी, समझ गया ना, मैंने अनिल साहब को पूरी बात जब करी, अनिल साहब बीच में बोल पड़े, आप तो तकरीर कर रहे हैं ना, तकरीर नहीं कर रहा अनिल साहब, मैंने पहले कहा था देखो पूरी बात सुननी है आपको जी, अच्छा अनिल साहब के पास कोई जवाब नहीं, सही, अच्छा अभी सर हसीम रमजान से बात हुई थी, वो तो बोल रहे थे कि अनिल साहब ने अपने मौके से रुजू कर लिया है, अरे यार हसीम रमजान को रहने दो, वो बस मैं अच्छी तरह उसको जानता हूँ जी, वो जी वो लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, बस फायदा उठाने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दे बेटा, मैं पूरा घूम के आया हूँ, पूरा इलाका घूम के आया, मैंने अनीस साहब को एक एक आदमियों के बारे में बताया कि अनीस साहब ये शख्स दुपट्टा ओढ़ के तकलीफ करता है, कई नाम मिल गया मैंने उसका, लेकिन जब खाना खाता है तो नंगे सर खाता है और कहके लगाता है, मैंने ये तुम्हारे शुरा वालों का हाल है, अकाबरीन का हाल है, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, अनीस साहब ने हाँ मैंने बोला, मैंने खुद देखा जी, फिर छोड़ो यार तुम, फिलहाल मैंने अनीस साहब बोला, अनीस साहब देखो
मैंने शनी साहब को बताया, मैंने अनिल साहब की इतनी कच्ची बातें पकड़ी, अगर मचाता याकूब भाई और सरफराज की तरह जुलूस निकाल देता अनिल साहब का, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, हो गया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, अल्लाह हाफिज़। बेटा अपना दामन जरा बचा के चलो, बहुत खतरनाक दौर जा रहा है। ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।